हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज की वीडियो एक बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है एंड आई डोंट नो यूट्यूबर्स इस टॉपिक के बारे में बात करना क्यों नहीं चाहते और क्यों हेल्प नहीं कर रहे हैं टॉपिक को लेके। तो मैं आप लोगों की हेल्प करने आ गई हूँ बिकॉज मेरे पास ये रिक्वेस्ट आई थी। कोई और भी रिक्वेस्ट हो यू गाइज कैन लेट मी नो। सो आज का टॉपिक है हमारा कोविड सर्टिफिकेट्स के बारे में। सो कोविड सर्टिफिकेट्स के हमारे चार केसेस हैं, चारों केसेस के बारे में बात करने वाली हूँ। एक केस है कि दो डोज लगवा ली है एंड सेकेंड केस है आपका कि हमने दो डोज के साथ बूस्टर डोज भी लगवा ली है एंड आपका थर्ड केस है। लाइक सारे केस के बारे में बात करने वाली हूँ। इन शॉर्ट स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। बिल्कुल भी मिस मत करना, एक पॉइंट मिस करोगे। एक बात अभी बता रही हूँ, डिस्क्लेमर दे रही हूँ, आई एम नॉट प्रमोटिंग इट, बट मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ जो मेरे किसी फ्रेंड ने की थी एंड वो अभी भी ट्रेनिंग पीरियड में है एंड वो कैबिन क्रू बनने वाली है। तो उस ट्रिक के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, कहीं पर भी बताऊंगी वीडियो में, पूरी वीडियो देखना अपने आप, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अब मैं अपने केस के बारे में। तो मैंने दोनों कोविड की डोज लगवा ली थी एंड मैं आपको एक चीज अभी बोल रही हूँ, कुछ भी झूठ बोलने का फायदा नहीं है बिकॉज डिजी लॉकर करके, डिजी लॉकर ठीक है, और डिजी लॉकर व्हाटएवर यू कुड से, एक ऐसा ऐप है जिसमें हर कंपनी अपना वेरिफिकेशन करवाती है। लाइक हर कंपनी का, हर एयरलाइन का अपना एक वेरिफिकेशन का साइट है एंड दैट, अगर मैं इंडिगो की बात करूँ, दैट इज डिजी लॉकर। सो इन दैट वन दे आर गोइंग टू आस्क यू कि अपना कोविड सर्टिफिकेट दो फॉर फर्स्ट वैक्सीनेशन एंड सेकेंड वैक्सीनेशन। सो यस, उससे वो लोग वेरीफाई करते हैं एंड दैट इज वेरी नेसेसरी, ठीक है। तो इससे मेरा वेरिफिकेशन हुआ था एंड दैट वॉज ऑल एक्यूरेट। एक्यूरेट डिटेल दीजिए क्योंकि सच का सहारा लेके चलोगे तो बिल्कुल सही है, झूठ का सहारा लेके चलोगे तब हो सकता है आप आगे तक पहुंच जाओ बट आगे चल के कुछ भी वेरिफिकेशन हुआ तो यू माइट बी इन ट्रबल, ठीक है। अच्छी खासी आप जॉब कर रहे हो, सोचो एक बार 7-8 महीने तक आपने जॉब करी, उसके बाद आपको एंड में पता लग रहा है कि भाई योर डिटेल्स आर नॉट राइट, ठीक है। तो इससे बेटर है कि हटा के चलो, ठीक है। सेकंड केस में जब मैं बात करती हूँ, आपने जब दो वैक्सीनेशन की डोज और बूस्टर ले ली है तो बिल्कुल भी कोई इश्यू नहीं है, आपको दिखानी सिर्फ दो वैक्सीनेशन की डोज ही पड़ेगी बिकॉज इट इज फॉर 18 to 27 ईयर्स जिसमें आप एप्लीकेशन करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उसमें सिर्फ आपको टू डोज आर ओनली नेसेसरी थिंग, ठीक है। तो उसमें तो कोई इश्यू ही नहीं है, यू आर ऑल राइट, ऑल सेट, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आपका थर्ड केस, जिसमें हम बहुत लोगों ने मुझे बात बोली कि हमने तो सिर्फ एक ही डोज लगवाई है। तो माय डियर, पहले तो आपको दोनों डोज लगवानी चाहिए थी बट कोई बात नहीं, आपने नहीं लगवाई तो आपको मैं एक पर्सनल उस पर बता रही हूँ। आप अगर सिलेक्ट हो जाते हो तो इंडक्शन वाले दिन वो लोग आपसे, सॉरी इंडक्शन से पहले जिस दिन आप सिलेक्ट हो जाते हो वो आपसे एक फॉर्म फिल करवाते हैं, ठीक है। उसमें आपसे वो कहते हैं कि दोनों वैक्सीनेशन की डोज की डेट बताओ, ठीक है। अब बता रही हूं मैं वो ट्रिक, क्या ट्रिक थी, ठीक है, जो मेरे को मेरी फ्रेंड ने शेयर करी बाद में। सो व्हाट शी टोल्ड मी इज कि उन्होंने फर्स्ट डोज जो लगवाई थी उन्होंने तो वो तो सही डेट मेंशन कर दी, अब सेकेंड डोज तो लगवाई नहीं थी बट किसी के हाथ में भी जब 40-50 हजार की नौकरी आ रही है तो क्या कोई इससे जाने देना चाहेगा, ऑब्वियसली नॉट। तो व्हाट शी डिड वाज उसने सेकंड, उसमें मैं पहले बोल रही हूं बताने से पहले, आई एम नॉट प्रमोटिंग ऑल दिस थिंग, बिल्कुल भी इस चीज को फॉलो ना करें। मैं कहूंगी कि बिल्कुल सच्चाई पे लेके चले आप, वहीं पे उनको हैंड टू हैंड बता दें कि मैंने सेकंड डोज नहीं ली है क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग एज सच कोई भी इशू नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि हम जब वहां पे फिल कर रहे थे तो देवर आस्किंग की फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, थर्ड डोज, और जैसे मैंने बताया कि शी इज स्टिल इन ट्रेनिंग, बट उसने क्या किया था उस टाइम पे, मैं आपको वो चीज बता रही हूँ। तो उसने सेकंड डोज की जो डेट थी उसमें कोई भी रैंडमली डेट डाल दी, जैसे फर्स्ट अगर उसने लगवाई थी 2022 में जून में तो उसने नेक्स्ट डेट डाल दी कुछ अगस्त सितंबर के टाइप ऑफ दैट केस, ठीक है। तो जब उसने वो डेट डाल दी उसके बाद उसका वो सब कुछ तो हो गया। अब बात आएगी डिजी लॉकर को कैसे वेरीफाई करवाएं, तो शी टोल्ड मी कि मैंने फर्स्ट के जो फर्स्ट वैक्सीनेशन लगवाई थी वही सेम मैंने अपने सेकंड उसमें डाल दी, बट मैंने जो मेरे एचआर थे उनको इन्फॉर्म की थी ये चीज, तो यू हैव टू इन्फॉर्म योर एचआर। झूठ का सहारा बिल्कुल नहीं लेना है, अपने एचआर को ये चीज इन्फॉर्म कर दो कि मैं ये चीज ऐसे कर रही हूं, तो दे विल गिव यू द सॉल्यूशन कि क्या सॉल्यूशन है। एज आई मेंशन कि शी इज स्टिल नाउ इन द ट्रेनिंग, ठीक है। तो दैट ऑल व्हाट यू कुड डू इज एंड यस, दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर यू गाइस एंड चिंता मत करो, ठीक है, यकीन रखो सुपर वाले पे, ही इज विद यू एंड जस्ट रॉक इट, ठीक है। अब नेक्स्ट केस आता है जहां पर एक भी वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है, तो आपको मेरी एक एडवाइस होगी, अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। आप लोग जब
एक भी डोज नहीं लगवाई है, तो ट्रस्ट मी एक कोई वैक्सीन आई है, आई विल नॉट टेल यू द नेम, नहीं तो मेरे नेम की रिकमेंडेशन पे आप लोग चले जाओ अगर कहोगे ये वैक्सीनेशन लगवा दो. नहीं, कोई भी अगर वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है तो गो टू डॉक्टर एंड टेल मी कि मुझे अपने इंटरव्यू पे जाना है, एंड वो लोग मुझे दो वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट मांगेंगे. दे विल सजेस्ट यू कि आपको कौन सी वैक्सीन लगवानी है एंड उनके सर्टिफिकेट्स फिर आप दे सकते हैं. ठीक है, तो एक वालों को इसलिए दिक्कत है क्योंकि वो पहले एक डोज ऑलरेडी लगवा चुके हैं, इसलिए उनको वही सेम डोज लगवानी पड़ेगी जो इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है. बट जिन्होंने एक भी डोज नहीं लगवाई है तो वो अपने डॉक्टर के पास जाए एंड आस्क देम. ठीक है, दे विल रिकमेंड यू एंड फिर तो कोई आज सच इशू ही नहीं होने वाला क्योंकि यू आर गोइंग टू गेट योर सर्टिफिकेट्स. सो यस, अगर कुछ और आप लोग जानना चाहते हो डू लेट मी नो, एंड मेकअप वाली वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, दैट इज योर नेक्स्ट रिकमेंडेशन. लट्स ऑफ लव, सब्सक्राइब कर लो चैनल को एंड आई एम हियर फॉर यू. लट्स ऑफ लव.